मैं तो यहाँ बताता हूँ कि एक टीवी पे ऐड आता है अर्श कल्प, आपने नाम सुना है? यस। मैं तो यहाँ तक आपको बताता हूँ कि यदि कोई अर्श कल्प लगाने के बाद भी फायदा नहीं हुआ और अपने परिवार में आता है तो आप ये मार देंगे तो ये मार से 100% फायदा होगा। पर हमें चीज़ों को समझना है, क्या करना है, ये मार को पिलाना है दो बार और दो बार उसको रुई पे लेके लगाना है, पहली बार। दूसरी बात, सुबह में उसको अंकुरित अनाज खिलाना है। तीसरी बात कि यदि उसको पाइल्स है और डायबिटीज़ नहीं है, ये मेरी बात को ध्यान से रखेंगे, पाइल्स है और डायबिटीज़ नहीं है, तो दिन में 12 बजे के पहले उसको दो पका हुआ केला खिलाना। दो पका हुआ केला कब खिलाना है? हम लोग केला हुआ कभी भी खा लेते हैं, हमारा क्या करते हैं, केला कभी भी खा लेते हैं, पर उसको 12 बजे के पहले खिलाना है। कौन सा केला खिलाना है? केला का तीन रूप है, केला का तीन रूप, केला कच्चा है तो सब्जी, केला कच्चा है तो सब्जी, पका हुआ है तो फल, और जब उस पर चित्ती आ जाता है, चित्ती आप सब लोग समझते हैं जो कि आप लोग ईस्टर्न इंडिया में रहते हैं, हल्का हल्का एक दिन और छोड़ेंगे तो चित्ती, तो वो केला अब न फल रहा न सब्जी रहा, वो केला क्या हो गया, दवा हो गया, असली हो गया। तो वो केला 12 बजे के पहले देंगे, साथ में मीट मसाला पे उनको परहेज रहेगा, उनके तेल पे परहेज रहेगा, 100% फायदा करेगा, नहीं फायदा करने का सवाल ही नहीं।